मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। दोस्तों अपने चारित्रिक दोषों को दूर करें। दोस्तों आप अपने चरित्र में चरित्र को विशेष महत्व दें। चरित्रवान व्यक्ति से सभी संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जबकि दुष्चरित्र एक शैतान है जिसे सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। चरित्र व्यक्ति से सब जुड़ना चाहते हैं और चरित्रवान व्यक्ति से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इतने पर भी सोचने की बात यह है कि संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई चारित्रिक दोष है, चाहे अवश्य पाया गया है। इस संबंध में अधिक विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। चरित्र संबंधी बातें ऐसी होती हैं कि जो सभी प्रकार की बुराइयों को उजागर कर देती हैं। जिन लोगों ने चरित्र में कोई दोष ना पाया गया है वे सफल व्यक्ति नहीं हो पाते हैं। जिसके चरित्र में कोई कोई दोष होता है वो सफल नहीं हो पाते हैं। समाज उनका सम्मान करने से कतराता है और जिसका चरित्र सही होता है उसका सम्मान करने से कोई कतराता नहीं है, क्योंकि इस निर्बलता के कारण व्यक्ति की प्रगति नहीं दिखता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इतिहास में भरे पड़े हैं। चारित्रिक कमजोरी को कारण राजाओं और महापुरुषों का जीवन नष्ट हो गया। चारित्रिक दोष के कारण राजाओं और महापुरुषों का जीवन नष्ट कर दिया गया है। देश में 1100 दाता के कष्ट नहीं होते। नारी के कारण देश की गुलामी के भटक शोक झोंक दिया। जिस मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने बार बार छोड़ दिया, उसी नगरथाम को पृथ्वीराज को पकड़ा तो अंधा करके भटकने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार राजनीतिक भूले और चरित्र संबंधित दुर्बलताएं सदैव घातक होती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हर मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए। अपने आचरण को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय खोजना चाहिए। आप अपने आचरण को सही करने के लिए कोई न कोई उपाय खोजें। जब व्यक्ति आत्मा से बैठकर गहन चिंतन करता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, चारित्रिक दोष है मेरे पास, चाहे मेरे पास चारित्रिक दोष नहीं है। दोस्तों यदि मनुष्य के जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे कोई कमजोरी को छोड़ना चाहिए तो उसे वो जरूर छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए बीड़ी पीने तथा शराब पीने तथा गुटखा खाने वाले आदत को लिया जा सकता है। इन सब आदतों को निश्चय करके छोड़ भी जा सकता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर हम उसको आदत बना लेते हैं, उसे हम जब चाहे अपने मन इच्छा दृढ़ संकल्प अगर ले लेना उस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं और इससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। यदि हम यह सोचने लगे कि खराब आदतों का आचरण के कारण मैं पीछे गया हूँ, अगर यदि मेरा खराब आचरण होगा तो मैं पीछे गया हूँ, अगर मेरे मन में ये बात बैठ जाएगी हम उस चीज़ को अवश्य छोड़ देंगे। दोस्तों यदि धीरे धीरे प्रगति की प्रेरक बढ़ाते हैं तो दूसरों को आगे बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे प्रगति को बढ़ाते हुए आप आगे दिखने लगेंगे। दोस्तों शक्ति की कमी है, मनुष्य स्वयं इस कमी को घटाने बढ़ाने वाला है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो स्वयं आप घटा सकते हैं और कोई नहीं घटा सकता। इसके लिए कोई भगवान नहीं बन के आएगा, आप स्वयं भगवान बनेंगे।